का कोई फ्यूचर नहीं पता है। संख्या कितनी है अफगानियों की भारत में? संख्या का तो उतना नहीं पता है कि कितना है। आप भारत में रहते हैं रिफ्यूजी के तौर पर, क्या क्या समस्या मतलब फेस कर रहे हैं? हम बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि एक तो जॉब नहीं है इधर, काम नहीं है, इंडियन के लिए काम नहीं है, अफगानी को तो दूर की बात है, और दूसरा घर अपना नहीं है, रेंट देना पड़ेगा हर महीने, मतलब प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जॉब की प्रॉब्लम हो गई है, जो आपका मतलब रोजी रोटी नहीं है, इसके अलावा एजुकेशन वगैरह? एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन यहाँ पढ़ाई भी कर ले फिर हमें जॉब नहीं मिलता, ये तो आपको भी पता है, इंडियन को नहीं मिलता है जॉब, फिर दूसरे कंट्री का लोग कैसे मिल जाएगा? अब डिमांड क्या है आपको, आप क्या चाहते हैं? हमारा डिमांड यही है कि हमारा फ्यूचर पता चले, क्योंकि हमारा तो कोई यहाँ फ्यूचर ही नहीं है, और हम इसलिए खुश है कि अफगानियों को निकाल दे या कुछ भी जो इस देश में नहीं है उनको निकाल दे, ये हमारी खुशी की बात है, ये अच्छी बात है। उनको यहाँ से या तो निकाल दे, उनके देश भेज दिया जाएगा, या फिर रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाएगा, ये अच्छी बात है, ताकि लोग को उसके फ्यूचर के बारे में पता चले ना, ऐसा तो नहीं है कश्ती में भेज जाओ इधर उधर पता नहीं चले। जैसे आप रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, बात जो मुख्य समस्या है, मेन प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हैं आप यहाँ पर? मेन प्रॉब्लम यही है कि तो हम स्टडी नहीं कर सकते इधर, स्टडी अच्छा नहीं है, दूसरा तो जॉब नहीं है, हमारा जो फादर जॉब करना चाहता है उनका लैंग्वेज नहीं आता, काम नहीं है, तो यही सब प्रॉब्लम है। जो चाइल्ड एजुकेशन है वो हो पा रही है आपकी? चाइल्ड एजुकेशन हाँ, चाइल्ड का हो रहा है। कितने कॉलेज हैं जो यहाँ पे, स्कूल हैं जो आपको एडमिशन दे देते हैं? जो हमारे छोटे भैया जो बहन ये सब कर सकता है, जो बड़ा होता है उनको तब तक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। हायर एजुकेशन की दिक्कत है? हायर एजुकेशन, और हमें एजुकेशन नहीं चाहिए, जॉब भी नहीं चाहिए, हमें सेटलमेंट चाहिए, फ्यूचर चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर क्या हो, फ्यूचर बनेगा ना सर, जब हम एजुकेशन करें, जॉब नहीं होगा इस एजुकेशन पे सर पे लगा दे क्या? अच्छा, जॉब नहीं होगा एजुकेशन को क्या? जैसे तो फंडामेंटल जो राइट है आपके, या जो चीजें हैं जैसे कि राशन कार्ड हो गया, या जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड वगैरह, वो आपको आमदनी बिल्कुल भी हमें राशन नहीं मिल रहा, जो मिल जाएगा वो सबसे गंदा चीज होगा, खाने का लायक भी नहीं होता है। लॉकडाउन रहा है हमारे देश में भी, खुला है, क्या क्या समस्या आपने झेली यहाँ पर? समस्या ये भी झेल लिया कि घर का रेंट हम नहीं दे सकते, घर पे फ्री बैठी है, काम भी नहीं है, घर का रेंट नहीं दे सकते, घर के मालिक बोल रहे जब रहते हैं तो पैसा देना पड़ेगा, काम नहीं है, हम पैसा कहाँ से करेंगे? तो हेल्प जो मिलती है आपको कहाँ से मिलती है? हेल्प इतने टाइम से हमारा जो प्रॉपर्टी अफगानिस्तान में था उनको बेच के हम इधर आए, इतना खर्चा किया, अब इधर कुछ भी नहीं है, फिर वहाँ का ख़त्म हो गया, इधर का ख़त्म हो गया, फ्यूचर भी नहीं पता है, क्या फ़ायदा रहे? मोदी सरकार से क्या चाहते हैं? मोदी सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे फ्यूचर जो भी है पता चले, अगर रहना है रहने दी, अगर निकालना है जल्द से जल्द हमें निकाल दीजिए। मैडम जैसे कि और भी पड़ोसी देश है, भारत, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, आपने क्योंकि भारत थोड़ा सा सेफ है, पाकिस्तान तो खुद अकाउंट बुआ दिए, उसके वजह से अफगानिस्तान खराब हो गया, तो वहाँ हम क्यों जाए? सिर्फ सर हमें ये चाहिए कि हम यहाँ से दूसरे कंट्री चले जाए, क्योंकि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है यार, 10 साल से हम इधर रहे, कोई फ्यूचर ही नहीं है इधर, पढ़ाई भी करा, जॉब नहीं मिल रहा है, क्या फ़ायदा है इधर रहने का? अफगानिस्तान में तो बॉम्ब ब्लास्ट रोज में होता है, कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, हम यहाँ आए ताकि हमारे फ्यूचर का कुछ पता चले, और यहाँ ये लोग बोल रहे हैं शादी करने का, वीजा करने का, हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन के लिए जॉब नहीं है यहाँ, तो हमारा क्या होगा? तो हम ये चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर यहाँ से पता चले, अगर हमें कहीं भेजना है भेज दीजिए, अगर नहीं भेजना है इंडिया में एक्सेप्ट कर दीजिए, वैसे भी हमें तो पता है कि इंडियन कितने सारे स्टडी करता है, उनका खुद का कोई जॉब नहीं मिलता है, फिर अफगानी दूसरे कंट्री पे आ जाए कैसे जॉब मिलता है? तो हमें वीज़ा भी नहीं चाहिए और स्टडी भी नहीं चाहिए, हमें अपना फ्यूचर चाहिए, क्योंकि जब फ्यूचर ही पता नहीं होगा स्टडी पे क्या करेंगे। तो क्या आप रिफ्यूजी लोग हैं? हाँ रिफ्यूजी, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। 10 साल हो गए कि हम यहाँ आए, हमारा कोई फ्यूचर नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा इधर। 10 साल से हाँ, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं वो भी नहीं मिल पा रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, जब काम नहीं होगा तो घर का किराया हम कैसे दे दें? तो क्या आप भारत में रहना चाहते हैं, इंडिया में, फिर अफगानिस्तान जाना चाहते हैं? अगर भारत में काम होगा तो हम रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुद को बताएं इंडियन के लिए काम नहीं है, तो हम यहाँ क्या काम करेंगे? यहाँ काम नहीं है, किसी के लिए भी काम नहीं है, घर का रेंट
मिलेगा ना। तो आप जाना चाहते हैं यहाँ से? हम जाते हैं कि हमारे फ्यूचर पता चले, ताकि हम सुकून पे एक जगह रह जाए, स्टडी वहीं पे करें। हाँ, लेकिन देश में एक कानून आने वाला CNRC को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, क्या उससे कोई असर पड़ेगा आपकी लाइफ पे? पता नहीं, अभी तक तो कोई पता नहीं है। हमें बस अपना फ्यूचर पता करना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का हालत बहुत खराब है, हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है। सरकार तो कह रही है कि हम नागरिकता हम देंगे ना, ये जो अब कानून आने वाला है जो CNRC 45 इयर्स हो गया कि अफगानिस्तान में फाइट है, हर दिन बॉम्ब ब्लास्ट है, एक दिन भी ठीक नहीं हुआ। ये सिर्फ बोलने से होता है, कुछ करता नहीं है लोग उनके हाथ में। हाँ, बोलना तो सबको आता है, कुछ करके दिखाइए ना। सर, डिमांड ये है कि रिसेटलमेंट चाहिए हमें, इस कंट्री में हमारा कोई भविष्य नहीं है यहाँ पे। सेटलमेंट के लिए सरकार एक कानून ला रही है CNRC, जो सिटीजन हमारा अमेंडमेंट। सरकार तो 10 चीजें और बोलती है लोगों का दिल बहकाने के लिए, करती कुछ नहीं है। लेकिन उसने अफगानिस्तान को भी रखा है, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को रखा है ना, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको नागरिकता तो मिल ही जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी नागरिकता लेके करेंगे क्या, जब हमारी इम्पोर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। नागरिकता आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी यहाँ की, तो फिर आपको तो इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। इम्पोर्टेंस है ही नहीं ना अफगानियों की यहाँ पे, नहीं है अफगान। वो जो रिसेटलमेंट, जो NRC का जो सीन है यहाँ पे इंडिया में, वो पाकिस्तान के लिए है और बाकी बांग्लादेश के लिए, वो अफगानिस्तान के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है। बाकी हमारे यहाँ पे कुछ काम वाम कुछ नहीं है हमारा। सिलेक्टिव क्या, जो कास्टेज वाइज है उसको लेके आप कह रहे हैं क्या? सिलेक्टिव वही कह रहा हूँ मैं। वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक जमाने के मांग रही के बस पूछो ही मैं। और बाकी क्या आप मुस्लिम है? इस्लाम मुस्लिम है, मुस्लिम है हम अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान के। हाँ, तो मुस्लिम के लिए नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के लिए नहीं है वो सब, वो सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, वो यहाँ के नहीं है, उसके लिए बाकी हमारे। हाँ, ये दिक्कत। आप चाहते हैं कि उसमें भी जो मुस्लिम है उनको भी ऐड किया जाए? हम ये नहीं चाहते, हमें ये चाहिए कि हमें रिसेटलमेंट मिले, और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, इनकम सिक्योरिटी, बाकी तरह की सिक्योरिटीज भी नहीं है। चलिए, आप अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, अफगानिस्तान में भी जाके करेंगे क्या? देख रहे हो, हर दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पे यूथ को टारगेट करा जा रहा है। फिलहाल अभी कल ही बम ब्लास्ट हुआ है, बाकी हमारे वहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं है और यहाँ पर भी सिक्योरिटी नहीं है। जिंदगी में जिंदगी की तरह